धरनों में शामिल थे, तो अभी इनको फुर्सत मिली है, वो यहाँ आए हैं। तो रिश्ते माँ बाप बस वही लेट हुआ है, तो जमान पर से अभी फुर्सत हुए। क्या नुकसान तो हुए, आप क्या समझती हैं जी भी का क्या नुकसान हुआ इस मिली इजलास ना होने की वजह से? बहुत से नुकसान हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन पहली दफ़ा बाहर रोड पे निकली है अपने मसाइल के लिए। ये सब ये असम्बली इसलिए बनी है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए और इनके मसाइल हल करें। तो असम्बली नहीं खुली तो लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे? तो हमारी खवातीन बाहर निकली अपने हक के लिए, आटे के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सब पहली दफ़ा इस तरह हुआ गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा इस तरह हुआ। तो हुकूमत मतलब इलाके के अवामी इज्तिमाई मसाइल पर गैर संजीदा है आपके ख्याल में? हुकूमत और वजीरों को इसलिए यहाँ पे मैंडेट देकर भेजा गया है कि वो आवाम के मसाइल हल करें, लेकिन वो जमान पारक से फारिग नहीं है, तो वो लोगों के मसाइल क्या हल करेंगे? थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।